दिल्ली का मुख्यमंत्री कट्टर बेईमान है, भ्रष्टाचारी है, उसने दिल्ली के पैसों को लूटा है, उसकी इस्तीफे की मांग को लेकर हम दिल्ली सचिवालय जा रहे हैं। कोई सरकार नहीं चल रही, आम आदमी पार्टी का जैसे चरित्र फर्जी है, इनके आदेश भी फर्जी है। 9-10 सालों से आप सरकार में, लोगों को पानी मिल नहीं रहा, बिल गलत आ रहे हैं, गंदा पानी आ रहा है, आज आपको पानी की चिंता याद आ रही है। अस्पतालों में नकली दवाइयां देने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया, लोगों को जान से खेलने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया, आज इनको स्वास्थ्य की चिंता हो रही है। सिर्फ सारा का सारा फर्जी वाला अरविंद केजरीवाल, कट्टर बेईमान, इस्तीफा देना होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहे है कि हम दिल्ली को अस्पताल में दवाइयां नहीं दे पाए, आज उन्होंने अपने तरफ से आज ये स्वीकार कर लिया कि दिल्ली की दुर्दशा उन्होंने पिछले 9-10 साल में कर दी है और दिल्ली की जनता आज सड़कों पे है। इस दिल्ली की जनता का यही मांग है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दो। उन्होंने न सिर्फ दिल्ली को लूटा है बल्कि दिल्ली को पानी के बिना, साफ पानी के बिना, सीवर के बिना, दवाइयों के बिना, एक जो मिनिमम गरीबों की जो जरूरत होती है उसके बिना दिल्ली को रसातल में पहुंचा दिया। लोग खून के आंसू रो रहे हैं।